स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। मित्रों, हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उस लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन करते हुए अब तक हम लोग रमा शब्द की सिद्धि तक, अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में रमा शब्द की सिद्धि तक का विषय पढ़ चुके हैं। अब आज आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ही कुछ शब्दों को आगे पढ़ेंगे और फिर उसके साथ साथ ही प्रयास करेंगे। तो रमा शब्द से सुओजस अमौसाभ्याम भिस्भ्याम भिस्भ्याम भिस्म सुप, ये 21 प्रत्यय लगा करके आपने देख लिया कि किस तरह कौन कौन सी विभक्ति में क्या क्या रूप बनते हैं, यह आपने सिद्ध कर लिया। अब हम चल रहे हैं, यहां देखिए, एवं दुर्गा अंबिका दयः, इसी तरह दुर्गा अंबिका इत्यादि शब्द भी बनते हैं। एवं दुर्गा अंबिका आदयः, दुर्गा अंबिका इत्यादि मतलब दुर्गा दुर्गे दुर्गा, दुर्गाम दुर्गे दुर्गा, दुर्गया दुर्गाभ्याम दुर्गा भी, ऐसे ही जैसे रमा शब्द के रूप थे वैसे ही दुर्गा और अंबिका इत्यादि जितने भी आकारांत शब्द हैं उन सभी के रूप इसी तरह रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम आपको दुर्गा अंबिका इत्यादि शब्द को दिखाते हैं और दुर्गा अंबिका के साथ साथ सर्वा शब्द को भी साथ साथ ले लेंगे, जिससे हम आगे और कुछ सूत्र जो सर्वा शब्द में, दुर्गा और अंबिका शब्द की सिद्धि में कोई और नए सूत्र नहीं लगेंगे पर सर्वा शब्द की सिद्धि में काम आएगा। तो मान लीजिए यहां हम एक साथ लेते हैं दुर्गा को, एका दो कलर से लिख रहा है तो थोड़ा सा इनको ठीक करते हैं। ऐसा कैसे, जस्ट एक मिनट, ये है सफेद कलर, ठीक है, ये है पीला कलर, ठीक है। तो दुर्गा और अंबिका का शब्दों को हम देखते हैं, शब्द कौन सा है दुर्गा, दूसरा शब्द कौन सा है अंबिका, और तीसरा शब्द हम यहां ले लेते हैं उसी के साथ सर्वा। ठीक है, तो दुर्गा अंबिका सर्वा ये तीन शब्द देख रहे हैं। सर्व शब्द का ही स्त्रीलिंग सर्वा है, ठीक है, और कोई यह दूसरा कोई शब्द नहीं है, ऐसा समझ के रखिएगा। तो सर्वा बना कैसे, दुर्गा अंबिका इत्यादि के साथ एक यह सर्वा जो शब्द बना है वह कैसे बना, इसकी प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहां देखिएगा, दुर्गा शब्द है, शब्द के बाद हमने लगाया प्रत्यय कौन सा, सु, यही सुप्रत्यय सभी जगह लगाते जाएंगे। ठीक है, यही सुप्रत्यय सभी जगह लगाते जाएंगे। एक काम करते हैं हम, इसको भी सफेदे कर देते हैं भी, ठीक है। प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, दुर्गा शब्द है, उसके बाद प्रत्यय लगाया सु, इसी तरह अंबिका के बाद भी सु, सर्वा के बाद भी सु, सु में से बचता है स, सु में से क्या बचता है स, सा का हल याभ्यो दीर्घा स्तुति से प्रक्तम हल, एक सूत्र आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, उस सूत्र के अनुसार क्योंकि हलंत शब्द हो, ज्ञंत शब्द हो, आप प्रत्ययांत यानी टाप डाप चाप प्रत्ययांत शब्द हो, यदि वह दीर्घ है, टाप डाप चाप वाला या गीप गीस गीन वाला दीर्घ है, तो उसके बाद आने वाले सु ती सी का अपृक्त वर्ण लुप्त हो जाया करता, स्तुति से प्रक्तम हल, इस नियम के जो आप पढ़ चुके हैं तो उस नियम, हलंत शब्दों में वह बहुत बार लगेगा तो उससे सुप्रत्यय का जो अपरिक्त जो स बचा था वह लुप्त हो जाएगा, तो प्रथमा एक वचन में दुर्गा बन जाएगा, दुर्गा अंबिका सर्वा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम थोड़ा सा इसके, यहां जो इनका कलर है करिया, उस कलर को चेंज कर देते हैं दुर्गा और अंबिका शब्द में। सफेद कलर का रखते हैं, मेनू बैकग्राउंड ही कहीं से थीम से चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ओके अब ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप कि शब्द कौन सा लिया हमने, एक शब्द लिया था, कलर बदलना पड़ेगा अब लिखने वाले का, लिखने वाले के कलर को हम यहाँ कर लेते हैं लाल, अभी भी ऐसा कैसे, इधर भी
शब्द क्या है? दुर्गा, उसके बाद अंबिका और उसके बाद सर्वा। ये तीन शब्दों को देखिएगा, दुर्गा, अंबिका, सर्वा, इन तीनों शब्दों के बाद अब हम प्रत्यय लगाएंगे औ। सु लगाकर देख लिया, औ लगाकर देखते हैं। औ तो हमने अंग आपह नियम पढ़ा था, औ या आउट का हो, चाहे द्वितीय बहुवचन द्वितीय द्विवचन वाला आउट हो, चाहे प्रथमा द्विवचन वाला औ हो, चाहे संबोधन का द्विवचन वाला औ हो, तीनों स्थितियों में क्या होगा भाई? औ तो तीनों जगह लग रहा है, तो औ का अंग आपह इस सूत्र से औ के स्थान पर हो जाएगा शी। शी में से बचता है ई, जैसे रमा में बनाया था रमा ई, और आद गुणा से गुण करके गुण कर लेंगे तो आ और ई को गुण करके ए बना लेंगे तो बन जाएगा दुर्गे। ठीक, दुर्गा दुर्गे। उसी तरह अंबिका का बन जाएगा अंबिका शी, अंबिका ई, आद गुणा से गुण करके अंबिके। उसी तरह सर्वांगी, सर्वाशी, सर्वा ई, और आ और ई को गुण करके सर्वे। तो दुर्गा दुर्गे, सर्वा सर्वे, ये बना लिया आपने। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखिएगा तो आपको अगल प्रत्यय कौन सा मिलेगा। शब्द रखते हैं दुर्गा, वही दोनों शब्द इधर भी लिखते हैं अंबिका, दुर्गा अंबिका, और उसके बाद सर्वा। ये तीनों शब्द एक साथ चल रहे हैं, जहां अलग रहेगा सर्वा कहीं अलग है, जहां अलग उसका रूप बनेगा वो भी बताऊंगा। तो औ लगा कर देख लिया आपने, जस लगाते हैं, दुर्गा जस, अंबिका जस, सर्वा जस। तो जस में से बचता क्या है? जस में से बचता है अस। ठीक, दुर्गा अस, अंबिका अस, सर्वा अस। यहां पहले प्रथम पुरुष वर्ण से पूर्व सवर्ण हो रहा था, लेकिन दीर्घा जसीच से निषेध हो जाएगा, निषेध होने के कारण फिर अकस सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होकर दुर्गा अस जोड़ करके बन जाएगा दुर्गास। ठीक, इसी तरह अंबिकास, और इस सा को ससजसो रू से रू करके खरवसाने और विसर्जन यहां से विसर्ग इत्यादि करने की कला आप जान चुके हैं, दुर्गा अंबिका और फिर सर्वाह बन जाएगा। ठीक, ये सर्व शब्द वैसे ही चल रहा है। फिर दुर्गा अम, अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके दुर्गाम बना ही लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके दुर्गाम, दुर्गा अम, दुर्गाम, अंबिका अम, अंबिकाम, सर्वा अम, सर्वाम। आउट लगाएंगे तो दुर्गे अंगह आप अंग आप सूत्र लग ही जाएगा, दुर्गे अंबिके सर्वे। फिर उसी के बाद जस लगाते हैं तो शस में से भी बचता है अस, शस में से भी बचता है अस। और यहां पर क्या होगा, जस का अस बचा था तो प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ नहीं हो पाया था, वहां दीर्घ हुआ था किससे? जस प्रत्यय लगे रहने पर प्रथम पूर्व सवर्ण नहीं लग पाया था दीर्घ करने के लिए, दीर्घ करने के लिए नियम लगा था अकस सवर्ण दीर्घ। यहां पर जस जस तो है नहीं, शस है, तो यहां प्रथम पूर्व सवर्ण लग जाएगा, क्योंकि प्रथम पूर्व सवर्ण का निषेध दीर्घा जसी च से होता है, दीर्घ वर्ण के बाद जस प्रत्यय हो तो ही, या इच हो तो ही, औ हो या जस हो, ऐसा तात्पर्य, औ जस आउट, ये प्रत्यय होने पर दीर्घा जसी च से निषेध हो जाया करता है। शस में तो नहीं हो पाएगा, दीर्घा जसी से पूर्व प्रथम पूर्व सवर्ण का निषेध नहीं होगा, तो प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ होकर जब प्रथम पूर्व सवर्ण लग जाएगा तो दुर्गास बन जाएगा दुर्गाह, अंबिकाह, सर्वाह, ऐसा आप बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सुओजस अमौट शस लगाकर देख लिया हमने, बारी आती है टा, टा में से बचता क्या है? आ, रमा शब्द का बनाया था, पर इसको हम फिर से बता रहे हैं क्योंकि रमा शब्द की सिद्धि की प्रक्रिया को आप फिर से पुनः रिकॉल कर पाए। यहां पर आंगी चापह नियम लगेगा, आंगी चापह नियम क्या कहता है? आंग ओस, ये दो प्रत्यय, आंग ओस, आंग मतलब तृतीय विभक्ति का एक वचन का टा प्रत्यय, टा प्रत्यय या ओस प्रत्यय लगा हुआ हो तो आ के स्थान पर ए हो जाया करता है। इधर इस वाले आ शब्द में अंग में आने वाले आबंत अंग के आ के स्थान पर ए हो जाया करता है, तो ये दुर्गा का जो जैसे रमा का हमने रमे बना दिया था, वैसे दुर्गा का बन जाएगा दुर्गे, और उसके बाद आ प्रत्यय जुड़ा ही है, एचो वायावा से अय आदेश करके दुर्गे में जो ए है उसके स्थान पर, ए के स्थान पर अय आदेश करेंगे तो दुर्गय आ जोड़ने पर बन जाएगा, जोड़ने पर क्या बन जाएगा? दुर्गया बन जाएगा ना, दुर्गया। इसी तरह अंबिकया, इसी तरह सर्वया,
भ्याम और भीष लगाकर दुर्गा भ्याम दुर्गा भी बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मैं मानता हूं। ठीक, भ्याम लगाइए चाहे भीष लगाइए, दुर्गा भ्याम दुर्गा भी बन जाएगा, अंबिका भ्याम अंबिका भी, सर्वाभ्याम सर्वा भी। आ जाते हैं चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के प्रत्यय में गे में। ठीक, गे में लगता है बचता है ए, गे में क्या बचता है ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां दोनों जगह पर याड आपह से आबंत शब्द के बाद, आबंत शब्द के बाद यदि गीत प्रत्यय लगा हुआ हो, गीत यानी गांव की संज्ञा वाला प्रत्यय लगा हुआ हो, तो आबंत शब्द के बाद गीत प्रत्यय लगे रहने की स्थिति में गीत प्रत्यय को याट आगम हो जाया करता है। याट ए, याट ए, याट का या बचेगा या ए, या में जो आ है और ए, इन दोनों की वृद्धि होकर आ ए के स्थान पर वृद्धि होकर यही बन जाएगा, तो दुर्गा यही, जैसे रमा यही बनाया था वैसे अंबिका यही। ये आज कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यथापेक्ष यह काम नहीं कर रहा है टच, कहीं कुछ कोई कीट बैठा हुआ या तो। हाँ, अंबिका यही हो जाएगा, पर यहां सर्वा यही नहीं बनेगा, यहां एक नया नियम लगेगा, वह नया नियम हमें अब यहां पढ़ना है। सर्वनाम नह स्याट ढ्रस्वश्च, यह क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम नह स्याट ढ्रस्वश्च, यह क्या कहता है देखिएगा, यहां स्याट ढ्रस्वश्च जो लिखा है उसका तोड़ यह है, स्याट ह्रस्वश्च, स्याट ह्रस्वश्च। ठीक, यह कहता है सर्वनाम नह नितः स्याट ह्रस्वश्च। देखिएगा, जो याड आपा सूत्र था उसी के बाद का यह नियम है। याड आपा कहता है कि सर इस आबंत शब्द के बाद, आबंत शब्द के बाद यदि गीत प्रत्यय लगा हुआ हो तो उसको याट आगम हो जाया करता, आबंत शब्द के बाद गीत प्रत्यय लगा हुआ हो तो याट आगम हो जाया करता, ऐसा याड आपह का तात्पर्य था। पर याड आपह सूत्र का जो तात्पर्य है उसी साथ सूत्र के तात्पर्य को अनुवर्तन करते हुए यह कहते हैं कि आबंत शब्द यदि सर्वनाम हो, आबंत शब्द यदि सर्वनाम हो तो याट आगम नहीं होता है, स्याट आगम होता है। गीत प्रत्यय को याट आगम जो रमा यही में या जोड़ा, अंबिका यही में, दुर्गा यही में जोड़ा आपने, वह रमा यही दुर्गा यही अंबिका यही में न जुड़ करके, रमा यही दुर्गा यही अंबिका यही इत्यादि में न जुड़ करके वह जुड़ेगा कहाँ, ध्यान दीजिएगा, वह रमा यही दुर्गा यही अंबिका यही में जो याट जुड़ा है वह याट यहां ना होकर के सर्वनाम न स्याट ह्रस्वश्च। ठीक, सर्वनाम न स्याट ह्रस्वश्च यह लगता है, वह कहता है सर्वनाम शब्द को, सर्वनाम शब्द को स्याट आगम हो जाया करता है, कौन सा आगम हो जाया करता है स्याट, सर्वनाम शब्द को नहीं होता, सर्वनाम शब्द के बाद लगे हुए गीत प्रत्यय को स्याट आगम होता है, और वह सर्वनाम न ह्रस्वश्च सर्वनाम शब्द के अंतिम वर्ण को ह्रस्व भी हो जाया करता है, दोनों काम स्याट ह्रस्वश्च, स्याट ह्रस्वश्च। यहाँ ट जो है ना, इस ट के स्थान पर झलाम झसूनते से ड हो जाएगा, और इधर झयो हून्य तरस्याम से ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण होकर, इस टा का सवर्ण होकर टठ ढ हो जाएगा, तो सर्वनाम न स्याड ढ्रस्वच्च, जैसे वाग हरि वाग हरि हो गया था है ना, अच हीनम अजीनम, उसी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाता है ह के स्थान पर, पूर्व में जो वर्ण है उसी वर्ग का चौथा वर्ण ह के स्थान पर आ जाता है झयो हून्य तरस्याम नियम के आधार पर, तो स्याड ढ्रस्वच्च जो यहां सूत्र में दिखाई पड़ रहा है वो वैसा है, तो सर्वनाम शब्द को हो जाएगा स्याट आगम और सर्वनाम शब्द को ह्रस्व भी हो जाएगा, ये दोनों काम होगा। अब देखिए प्रत्यय लगा हुआ यहां कौन सा, गीत प्रत्यय लगा हुआ है, तो सर्वनाम शब्द को एक तो क्या करना है, ह्रस्व भी कर देना है, सर्वा को बन जाएगा सर्व, और फिर उसके बाद जो गे प्रत्यय था उसको स्याट आगम भी कर देना है, तो स्याट ए स्या ए स्याई बन जाएगा, स्या ए आ ए में वृद्धि रेचि से वृद्धि करके स्याई बना लीजिएगा, आप बना ही लेंगे आप लोग, बन जाएगा स्याई सर्वस्याई, तो अंबिका यही दुर्गा यही, लेकिन यहां बना क्या सर्वस्याई, यह एक अंतर पड़ गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं आगे के प्रत्ययों में,
भ्याम और भ्यस लगा करके आप सर्वाभ्याम दुर्गाभ्याम अंबिकाभ्याम ये बना लेंगे तीन, दुर्गाभ्याम अंबिकाभ्याम सर्वाभ्याम, भ्यस लगाकर दुर्गाभ्या अंबिकाभ्या सर्वाभ्या ये तीनों आप बना ही लेंगे, दुर्गाभ्या अंबिकाभ्या सर्वाभ्या, ठीक है। भ्याम भ्यस हो जाएगा। भ्यस के बाद गसी और गस के बारे में देखते हैं। गसी और गस प्रत्यय लगे रहने पर दुर्गा और सर्वा इत्यादि में बचता है, मतलब दुर्गा और शब्द सर्वा इत्यादि शब्द के बाद जब गसी और गस प्रत्यय लगता है तो कहीं भी दुर्गा सर्वा इत्यादि शब्द के बाद ही नहीं, कहीं भी गसी और गस प्रत्यय लगता है तो उसमें से बचता है अस, ठीक। अंबिका अस, सर्वा अस, ठीक। अब यह अस बचा हुआ है, लोगों को लगेगा जोड़ दीजिए जैसे जस और सस में जोड़ा था सर्वाह बना लीजिए, लेकिन नहीं भाई, यह प्रत्यय गित, गित प्रत्यय होगा तो याट आगम होगा, याट आगम हो जाएगा। कौन सा याट आपह सूत्र से याट आगम हो जाएगा, और सर्वनाम न स्याड ह्रस्वच्च, क्योंकि सर्वा शब्द सर्वनाम है तो वहां सर्व बन जाएगा। सर्वा को देखिए दो काम होता है, जब गित प्रत्यय लगा हुआ होगा मतलब चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ होगा तो सर्वा का जो आ था दीर्घ वह ह्रस्व भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्रत्यय जो था ए गे गसी गस गी इन सभी के आगे स्याट आगम भी हो जाएगा तो स्याट अस हो जाएगा। सर्व स्याट अस, सर्व को ह्रस्व भी, सर्वा को ह्रस्व भी कर दिया गया, स्याट आगम भी कर दिया गया गस प्रत्यय को। टित प्रत्यय होने के कारण वह आद्यंतौ टकितौ नियम के सहारे, आप नियम पढ़ चुके हैं इसलिए आद्यंतौ टकितौ जो पढ़ा था आपने, टित प्रत्यय होगा तो पहले जुड़ेगा, गित प्रत्यय होगा तो बाद में जुड़ेगा, उसके सहारे क्या हो जाएगा सर्वस्या अस जुड़ करके सर्वस्यास, ये जो अस है उससे पहले स्या जुड़ा, जैसे याट उससे पहले जुड़ता है वैसे ही स्याट भी उसके पहले जुड़ेगा तो सर्वस्यास बन जाएगा। ये स्या में जो अ है और ये जो अ है ये दोनों अ में से एक ही अ बचेगा, मतलब अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर सर्वस्यास है ना। इधर अंबिकायास, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, और इधर दुर्गायास, ठीक। सा को ऋतु विसर्ग कर लेंगे तो दुर्गायाह अंबिकायाह और सर्वस्याह, ठीक सर्वस्याह, तो दुर्गायाह अंबिकायाह सर्वस्याह ये हो जाएगा, ठीक। घसी और घसी ये दोनों जगह पर ऐसी स्थिति आएगी, चलेगा। और वो अब फिर भ्याम भ्यस में बना ही लेंगे आप, दुर्गा ओस पे आ जाते हैं, षष्ठी बहुद्विवचन का ओस प्रत्यय, अंबिका ओस, ठीक। सर्वा ओस, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आंग चापह नियम लगेगा, ठीक। आंग चापह, आंग प्रत्यय या ओस प्रत्यय पर में हो तो आ के स्थान पर ए हो जाया करता, तो ये दुर्गा का जो आ है उसके स्थान पर हो जाएगा ए, अंबिका का जो आ है उस आ के स्थान पर, एक मिनट, ये अंबिका का जो आ है वह मिट जाएगा और उसके स्थान पर हो जाएगा ए, ठीक, अंबिके ओस। और इसी तरह सर्वा का जो आ है वह आ मिट जाएगा, उसके स्थान पर आ जाएगा आ के स्थान पर ए, सर्वे ओस। एचो ये वाया वह आप कर लीजिएगा तो दुर्गे ओस का क्या बन जाएगा, देखिए ये रहा दुर्ग य आय आदेश होकर दुर्गयोस, ठीक, ऐसे दुर्गय ओस। और इसी तरह अम बी कय ओस है ना, और इसी तरह सर्वयोस, सर्वयोस, तो दुर्गयोह अंबिकयोह सर्वयोह ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन दोनों जगह बनेगा। अब ओस के बाद बारी आई आम, ठीक। आम में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, हम एक बार फिर से लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा घोच पोच हो गया मिटाते लिखते लिखते, तो देखिएगा शब्द क्या है, प्रातिपदिक है दुर्गा, प्रत्यय लगा हुआ है आम, प्रातिपदिक क्या है अंबिका, उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ है आम, ठीक है, दुर्गा आम अंबिका आम और इसी तरह सर्वा आम, ठीक है। तो अब दुर्गा आम अंबिका आम सर्वा आम इस स्थिति में ह्रस्व निद्यापु लुट
क्योंकि आप प्रत्ययांत तीनों है इसलिए ह्रस्व नद्यापो नुट लग जाना चाहिए, ते नुट आगम हो जाना चाहिए, लेकिन आम ही सर्वनाम न सुट से सुट आगम होगा सर्वनाम शब्द को सुट, सर्वनाम शब्द के बाद आम प्रत्यय को सुट आगम हो जाएगा और इन सबको नुट आगम होगा। तो नुट में से आप देखते ही आ रहे हैं, बार बार देखा है आपने, नुट में से ना बचता है ठीक, तो नाम आम प्रत्यय क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा। इधर भी आम प्रत्यय क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा। तो दुर्गा नाम, अंबिका नाम, सर्वा, सुट आम, सुट आम में से सब बचता है भाई, सुट में से क्या बचेगा, सुट में से हमेशा सब बचेगा, तो स आम बन जाएगा साम ठीक, सर्वासाम। चले सर्वासाम तो बन ही गया, यहां कुछ नहीं करना है, अंबिका नाम भी बन ही गया, ऐसे ही नाम इसे दीर्घ करना चाहे तो अंबिका के आ को दीर्घ है ही, दीर्घ फिर भी करना चाहे कर सकते। दुर्गा नाम में ना को ना करना है अटकुपांग व्यवाय पी से, तो अटकुपांग व्यवाय पी क्या कहता है, रा और श के बाद यदि अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इनमें से किसी एक का या सभी का व्यवधान हो तो भी न के स्थान पर ना हो जाया करता, तो दुर्गा नाम बन जाएगा, शब्द में र है इस कारण ठीक है। तो दुर्गा नाम, अंबिका नाम और सर्वासाम, ये तीन बना। अब दुर्गा शब्द के बाद हम प्रत्यय लगाते हैं कौन सा, गी, ओस और सुप लगाकर आप देख लीजिएगा, ओस और सुप में कुछ बहुत विशेष कार्य नहीं होगा, हम प्रत्यय केवल लगाते हैं गी, गी में से बचेगा ई ठीक, एक ही जगह लगा रहे हैं सभी जगह नहीं, ई। यहां क्या होगा, गीत प्रत्यय है तो सर्वनामना स्याट ह्रस्वश्च से यहां स्याट आगम होगा ठीक, और देखिएगा ह्रस्व भी हो जाएगा, सर्वनामना स्याट ह्रस्वश्च और बाकी जगहों पर केवल याट रहेगा या ई, यहां भी या ई, स्याट आगम नहीं यहां और बाकी दो जगहों पर याट आगम होगा, सर्वनाम को स्याट आगम होगा और याड आपा बाकी सभी आबंत शब्दों को याट आगम होगा ठीक। तो दुर्गा या ई, सर्व अंबिका या ई, सर्वास्या ई। अब गे राम नद्याम निभ्य इस सूत्र से, गे राम नद्याम निभ्य इस सूत्र से, क्योंकि नदी संज्ञक शब्द हो या आप प्रत्यांत शब्द हो या नी शब्द हो उसके बाद आने वाले गी प्रत्यय के स्थान पर आम हो जाया करता है, तो हमने आम कर दिया, यहां भी आम कर दिया, यहां भी आम कर दिया। तो आप देख लीजिए दुर्गायाम जोड़ के बना लीजिएगा, दुर्गायाम अकस्वर्ण दीर्घा से दीर्घ करके, अंबिकायाम और सर्वस्याम ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। ओस लगाएंगे तो आंगे चापा से ए करके, एचो एवायावा से अयादेश करके सर्वयोह दुर्गयोह अंबिकयोह ऐसा बना लेंगे। सुप लगाएंगे तो दुर्गा सु दंत सा ही रहेगा ठीक, दुर्गा सु सर्वा सु अंबिका सु, दुर्गा सु अंबिका सु सर्वासु ऐसा तीनों बन जाएगा, स्पष्ट है। और इसके बाद देख लीजिए सुप प्रत्यय लगेगा, सुप का सु ही बचेगा, ह्रस्व इत्यादि करने की जरूरत ही नहीं, सर्वासु बन जाएगा ठीक है। अब सर्व शब्द का, सर्वा शब्द का संबोधन में तो होगा नहीं पर इन सब का संबोधन होगा ठीक, दुर्गा और अंबिका का संबोधन होगा, सर्वा का संबोधन में प्रयोग नहीं होता सर्वनाम होने के कारण। तो दुर्गा संबोधन में जब सुप्रत्यय लगाते हैं, संबोधन में जब हम सुप्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है, वह नियम आप यहां पढ़े हैं देखिए, संबुद्धौच है, संबोधन के एक वचन वाला यह संबुद्धौच नियम पढ़ चुके हैं आप, यह नियम लगेगा तो संबुद्धौच क्या करता है, आ के स्थान पर ए कर देता है, दुर्गा अंबिका इत्यादि शब्द में जो आ दिखाई पड़ रहा है उस आ के स्थान पर ए कर देगा, तो दुर्गे और इधर अंबिके बन जाएगा, और शब्द का अंतिम अक्षर एंग हो गया तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से संबुद्धि के सुप्रत्यय लुप्त हो जाएगा, तो दुर्गे अंबिके सुप्रत्यय लगने पर भी बनेगा, औ लगेगा तो दूसरे तरह से बनेगा लेकिन दुर्गे ही बनेगा है ना, श्री हो जाएगा औ के स्थान पर श्री होकर, दुर्गे अंबिके, तो दुर्गे हे दुर्गे, हे दुर्गे हे दुर्गा, हे अंबिके हे अंबिके हे अंबिका,
अंबिके एकवचन में भी, अंबिके द्विवचन में भी। द्विवचन में श्री हो जाएगा औ के स्थान पर, तो वह वाली प्रक्रिया होगी। और यहां पर श्री नहीं होगा, आ को ही ई हो जाएगा, आ को ही ए हो जाएगा, और ए होने के बाद प्रक्रिया आप जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट है। इतनी बात यदि स्पष्ट है तो फिर अब हम आगे चलते हैं। यहां पुस्तक में आप सर्वनाम शब्द को पढ़ ही चुके हैं, सर्वनामनः स्याद् ह्रस्वश्च। इस सूत्र को अब तात्पर्य में बता दे रहा हूं। यह सूत्र कहता है कि आबंत होना चाहिए शब्द, यानी आ उसके अंत में दिखाई पड़ रहा हो ऐसा आबंत हो, और वह सर्वनाम भी हो, आबंत भी हो सर्वनाम भी हो। ऐसे शब्द के बाद गिद प्रत्यय यदि आ रहा हो तो गिद प्रत्यय को स्याट आगम हो जाता है, और जो आबंत शब्द का आप है आ, उस आ को ह्रस्व हो जाया करता है। मतलब शब्द का अंतिम वर्ण जो आ है उसको ह्रस्व भी हो जाया करता है, और गिद प्रत्यय को स्याट आगम भी हो जाया करता, दोनों काम यह करता है। तो सर्वा बन गया सर्व, और स्याट आगम हो गया तो स्या ए स्यई बन जाएगा सर्वस्यई, सर्वस्याह सर्वस्याह, और सुट आगम यहां होगा आमि सर्वनाम सुट से, तो सर्वासाम और सर्वस्याम, शेषम रमावत एवं विश्वादया, शेष रमा इत्यादि की तरह है, बाकी खाली इतने ही रूप देखे। सर्व शब्द में, सर्वा शब्द में खाली ये एक चतुर्थी एक वचन, पंचमी षष्ठी एक वचन, और षष्ठी बहुवचन और सप्तमी बहुवचन एक वचन, इतने पांच जगहों पर ही। ठीक चार लगा है लेकिन ये दो दो जगह का रूप है ना, पंचमी षष्ठी एक वचन, इन्हीं पांचों जगहों पर रूप अलग है, बाकी शेषम रमावत शेष रमा की तरह। इसी तरह एवं विश्वादय आबंता, इसी तरह विश्वा इत्यादि, विश्वा विश्वे विश्वाह, विश्वा विश्वे विश्वाह, विश्वया विश्वाभ्याम विश्वाभि, विश्वस्यै विश्वाभ्याम विश्वाभ्यः, विश्वस्याः विश्वाभ्याम विश्वाभ्यः, विश्वस्याः विश्वा विश्वयोः विश्वासाम, विश्वस्याम विश्वयोः विश्वासु, ये विश्वा इत्यादि भी, क्योंकि सर्व विश्व उभय रतर रतम इत्यादि सभी शब्दों की तो सर्वनाम संज्ञा थी ना, तो सर्वनाम संज्ञा विश्वा की भी है, इसलिए विश्वा इत्यादि आबंत भी उसी तरह चल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम एक सर्वनाम संज्ञा वाले प्रकरण में, एक और सूत्र है विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, यह मैं समझा देता हूं। यह सूत्र कहता है दिक् समासे, देखिए दिक् समासे दिशावाची शब्दों का समास। दिशावाची शब्द कौन कौन से हैं वो आप जानते हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इत्यादि जो शब्द हैं, पूर्वा दक्षिणा पश्चिमा उत्तरा इत्यादि जो है शब्द वो है दिशावाची शब्द। ठीक, तो कह रहा दिक् समासे दिशावाची शब्दों का समास हो, यानी पूर्वा दक्षिणा इत्यादि शब्दों का समास हुआ हो, पर वह समास बहुव्रीहि समास हो। तो अच्छा यहां पर अनुवृत्ति किसकी आ रही है वो अभी मैं लिख दे रहा हूं, पहले अध्याय के प्रथम पाद में ही है इसलिए आप देख सकते हैं सर्व नामानि, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, तो मतलब क्या होगा, देखिएगा दिशावाची शब्दों का समास हो वह बहुव्रीहि समास हो, तो सर्व इत्यादि शब्दों का, उसके अंत में आने वाले सर्व इत्यादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा विभाषा यानी विकल्प से होती है, यानी होती भी है और नहीं भी होती है। ठीक, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ का तात्पर्य इतना है। ठीक है, तो सर्व इत्यादि शब्द यदि बहुव्रीहि समास के अंत में आ रहे हैं पर दिशावाची बहु शब्दों के बहुव्रीहि समास में आ रहे हैं तो उनकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। जैसे उत्तराच पूर्वाच, उत्तरस उत्तराय क्या कहते हैं, उत्तरस्याह पूर्वस्याह च दिशोः अंतरालम, उत्तरस्याह पूर्वस्याह च दिशोः अंतरालम, ऐसा समास करेंगे। उत्तरा और पूर्वा इन दोनों दिशाओं का अंतराल क्या होगा, तो बनेगा क्या उत्तर पूर्वा समास जब होगा ना, बहुव्रीहि समास होगा, देखिए ऐसे मैं लिख देता हूं उत्तरा और पूर्वा इन दोनों का समास है, उत्तरा गस पूर्वा गस समास होगा, समास होने के बाद उत्तरा पूर्वा बचेगा, और समास होने के बाद इसका पहले पूर्व वाला जो शब्द है उसका पुल्लिंग वाला रूप प्रयुक्त तो हो जाएगा, तो उत्तर पूर्वा बन जाएगा। उत्तरा पूर्वा जो समास होने के बाद पुंवद भाव होकर बहुव्रीहि में पुंवद भाव हो जाता है, तो स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाम पुनर्नी प्रियादिषु, ऐसा सूत्र है बड़ा सा, तो उससे पुंवद भाव हो जाएगा। पुंवद भाव होने के बाद हाँ इतनी बात स्पष्ट है,
तो उत्तरा पूर्वा, उत्तर पूर्वा बन जाएगा। अब यह जो उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा इत्यादि शब्द बनेंगे, अच्छा अंतराल अर्थ में बहुव्रीहि समास होता है दिशावाची शब्दों का, किस अर्थ में होता है अंतराल, दिंग नामान अंतराले सूत्र से बहुव्रीहि समास प्रकरण में आप देखेंगे तो दूसरे देखिएगा पहले अध्याय का जो है ना, एक मिनट, तो पहला अध्याय जो है ना, नहीं ये दिंग नामान्य अंतराले वो दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में 30 के आसपास सूत्र होगा, देख लीजिएगा। तो अंतराल अर्थ में 29 नंबर पर है बहुव्रीहि शेषो बहुव्रीहि, उसी के बाद है तेन सहित तुल्य होगी, फिर 29 से पहले ही होगा यह 100%, 22 से 29 के बीच में 25 के आसपास है सूत्र दिंग नामान्यंतराले, दिशावाची शब्दों का नाम अंतराल अर्थ में, दिशावाची शब्दों का नाम यानी दिशावाची शब्द जो है वो सब अंतराल अर्थ में एक दूसरे से समास को प्राप्त होते। तो आप समझ लीजिए दक्षिण और उत्तर इन दोनों दिशाओं का तो अंतराल होता नहीं, कोणा अंतराल मतलब कोणा, पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओं का तो अंतराल होता नहीं है ना, इसलिए अंतराल होगा तो दक्षिण और पूर्व का होगा, दक्षिण और पश्चिम का होगा, पश्चिम और उत्तर का होगा, पूर्व और उत्तर का होगा, ऐसे चार ही तो अंतराल होंगे। तो इन्हीं अंतराल अर्थ में जो शब्द मिलते हैं दिशावाची शब्द उनका समास हो जाता है बहुव्रीहि समास होता है, ठीक। तो उत्तर पूर्वा जो बना शब्द उसका मतलब हो गया उत्तर और पूर्व दिशा का कोण, जिसको ईशान कोण कहते हैं, ठीक। इसी तरह दक्षिण और पूर्व का जो शब्द बनता दक्षिण पूर्वा, दक्षिणा पूर्वा यह बन जाता दक्षिण पूर्वा। तो अब यह दिशावाची शब्दों का समास है, इन दिशावाची शब्दों के समास में आप देख रहे हैं दिशावाची शब्दों का समास है ना, इसमें सर्व इत्यादि शब्दों में भी यह शब्द भी है, सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्यत अन्यतर इतर तत्व सम नाम सेम सम इत्यादि में तो नहीं है इसका, हाँ पूर्व परावर दक्षिणो उसी में है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराण व्यवस्थायाम संज्ञायाम उसी में, पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर ये सब संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में हो तो उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है ऐसा कहा गया था। तो भाई सर्व इत्यादि शब्दों में ये है, तो सर्व इत्यादि शब्द यदि दिशा के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हो और उनका बहुव्रीहि समास हो रहा हो, सर्व इत्यादि शब्द यदि दिशा के नाम के रूप में प्रयुक्त हो रहे हो और उनका बहुव्रीहि समास हो रहा हो तो उनकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, यह तात्पर्य है, उनकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है तात्पर्य है। तो उत्तर पूर्वा जो शब्द बन गया आकारांत तो है, पर यह आकारांत शब्द रमा शब्द की तरह भी चलेगा और सर्वा शब्द की तरह भी चलेगा, क्यों, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा इसकी विकल्प से होगी, सर्वनाम संज्ञा जब नहीं होगी तो रमा की तरह और जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो सर्वा की तरह, यानी सर्वनाम संज्ञा होने के फलस्वरूप जो दो नियम लगते थे, एक सर्वनामना स्याड ह्रस्वश्च वह भी विकल्प से लग पाएगा और आमी सर्वनामना सुट वह भी लग पाएगा। तो गे गसी गस गी ये चार प्रत्यय में और आम इन प्रत्यय में यही पांच जगह पर इस उत्तर पूर्वा शब्द का दो दो रूप मिलेगा, बाकी सभी जगहों पर तो चाहे सर्वनाम संज्ञा हो चाहे ना हो एक तरह का रूप मिलता है ना, जैसे रमा वैसे सर्वा, रमे जैसे रमे वैसे सर्वे, जैसे रमा वैसे सर्वा, वैसे रमा वैसे सर्वाम, वैसे रमे वैसे सर्वे, जैसे रमा वैसे सर्वा, जैसे रमया जैसे रमया सर्वया, जैसे रमाभ्यम वैसे सर्वाभ्यम, जैसे रमया रमा भी सर्वा भी, एक जैसा है पर रमा यही सर्वस्य ही हो जा रहा है। तो उसी तरह उत्तर पूर्वा यही उत्तर पूर्वस्य ही ये दो रूप बनेगा, देखिए उत्तर पूर्वा यही उत्तर पूर्वस्य ये सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होने के फलस्वरूप रमा, देखिए रमाभ्याम सर्वाभ्याम, रमा भी सर्वा भी नहीं, रमाभ्याह रम सर्वाभ्या, फिर वहां क्या बनता है रमायाह लेकिन बन जाता है सर्वस्याह। तो इसी तरह उत्तर पूर्वायाह और उत्तर पूर्वस्याह ये दोनों रूप बनेगा, जहां जहां सर्वनाम संज्ञा का फल मिलेगा विकल्प से सर्वनाम संज्ञा है तो सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप दो दो रूप मिलेगा, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं है मतलब और सभी जगहों पर जहां सर्वनाम संज्ञा का कोई फल मिलना ही नहीं है वहां सर्वनाम संज्ञा हो चाहे ना हो एक रूप बनेगा, है ना।
आखिर सर्वा शब्द में रमा शब्द से पांचे जगह पर तो अंतर आ रहा था, तो सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप पांचे जगह पर दो रूप मिलेगा, बाकी सब जगह एक रूप मिलेगा। तो उत्तर पूर्वा उत्तर पूर्वे उत्तर पूर्वाह, उत्तर पूर्वाम उत्तर पूर्वे उत्तर पूर्वाह, उत्तर पूर्वया उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभी, फिर उत्तर पूर्वस्यै उत्तर पूर्वायै, ये दोनों बनेगा। सर्वनाम संज्ञा होने के कारण स्याट होगा और ह्रस्व भी हो जाया करेगा, तो उत्तर पूर्वस्यै बनेगा। और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं मानेंगे तो स्याट न होकर याट होगा और ह्रस्व नहीं हो पाएगा, तो उत्तर पूर्वायै मानेंगे। ठीक है, उसी तरह उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभ्यः, फिर उत्तर पूर्वस्याः और उत्तर पूर्वायाः। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्याट आगम होगा, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो रही है, विभाषादिक समास से बहुव्रीहि है उसे, तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होने के कारण जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हो पाएगी तो उत्तर पूर्वायाः, और जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो उत्तर पूर्वस्याः। ठीक है, इसी के बाद हाँ फिर सब पंचमी षष्ठी में हो जाएगा, उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभ्याः हो ही गया, फिर उत्तर पूर्वयोः ये भी बन जाएगा आंगे चापह नियम लग के ए होकर, तो उत्तर पूर्वयोः सर्वयोः की तरह। ठीक, उत्तर पूर्वासाम सर्वासाम की तरह, और उत्तर पूर्वस्या उत्तर पूर्वाणाम यह सर्वे रमा शब्द की तरह, रमा की तरह भी एकौकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई है इसलिए रमा की तरह भी उसका रूप चलेगा, उत्तर पूर्वाणाम और सर्वा की तरह भी उसका रूप चलेगा, सर्वा की तरह भी उसका रूप चलेगा उत्तर पूर्वाशाम। ठीक, तो फिर उसके बाद उत्तर पूर्वायाम, ठीक उत्तर पूर्वस्याम उत्तर पूर्वायाम उत्तर पूर्वस्याम ये दो रूप बनेगा, फिर उत्तर पूर्वयो उत्तर पूर्वास, यह इतना अंतर हो गया। इसी तरह दक्षिण पूर्वा, तो दक्षिण पूर्वा दक्षिण पूर्वे दक्षिण पूर्वाह, दक्षिण पूर्वाम दक्षिण पूर्वे दक्षिण पूर्वाह, दक्षिण पूर्वया दक्षिण पूर्वाभ्याम दक्षिण पूर्वाभिः, दक्षिण पूर्वस्य दक्षिण पूर्वायै दक्षिण पूर्वाभ्याम दक्षिण पूर्वाभ्यः, दक्षिण पूर्वस्याः दक्षिण पूर्वायाः दक्षिण पूर्वाभ्याम दक्षिण पूर्वाभ्यः, दक्षिण पूर्वी पूर्वायाः दक्षिण पूर्वस्याः, ये दो रूप वहां पंचषष्ठी में भी बनेंगे, दक्षिण पूर्वयोः दक्षिण पूर्वासाम दक्षिण पूर्वाणाम, और फिर उसके बाद दक्षिण पूर्वस्याम दक्षिण पूर्वायाम दक्षिण पूर्वयोः दक्षिण पूर्वासु, ऐसा सब रूप बन जाएगा। ठीक है, अब द्वितीय और तृतीय यहां तक उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्वायी तक पहुंच गए हैं, यहाँ तीयस्येति वा सर्वनाम संज्ञा द्वितीयस्य द्वितीयायै तृतीयस्य तृतीयायै इत्यादि जो रूप बन रहा है, इन सबको कल देखेंगे। आज थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, थोड़ा सा पैर में दिक्कत है, तो काफी देर खड़े होने पर, क्योंकि विद्यालय में भी काफी देर खड़े होकर पढ़ाए हैं, तो आज इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।